अतिथियों के सामने ही कर देता हूँ। मैं शिक्षक के रूप में जब विद्यालय में होता हूँ तो इतने सारे शिक्षक जुड़ गए। अक्सर मुझे दो ऐसे साथी हैं जो हमेशा टोकते हैं कि विवेकानंद जी हमसे क्या आपका द्वेष है। वो हमने कहा कोई द्वेष नहीं है, वो हमारे हैं शिक्षा मित्र और निदेशक भाई। वो लगातार हमसे कहते थे कि हमें ज्यादा जरूरत है, हमारा भी परिवार है, हम भी आपके परिवार का हिस्सा है और हमें भी आप इस परिवार में शामिल करिए। और मैं बड़े हर्ष के साथ घोषित कर रहा हूँ कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी जनवरी से TSET परिवार का हिस्सा बना दिया जाएगा। क्योंकि परिवार, देखिए, हमारा वैर किसी से हो सकता है, हमारे किसी से मतभेद हो सकते हैं, विवेकानंद से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, जो तीनों परिवार बैठे हैं, जिसकी इलाहाबाद की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्या इसमें से किसी का किसी से कोई मतभेद था? किसी से कोई मतभेद नहीं था। हो सकता है उनसे रहा हो तो क्या इन परिवारों से मतभेद है? अगर विवेकानंद से मतभेद है तो बनाए रखिएगा, मेरे किसी टीम मेंबर से मतभेद है तो बनाए रखिएगा, लेकिन जो टीचर हमको छोड़ के चला गया या जो हमारा अनुदेशक है, हमारा शिक्षा मित्र है, अगर हमारे बीच नहीं रहता तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके परिवार की भी सुरक्षा करें। नैतिकता के आधार पर हम उनको भी TSET में शामिल करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन और शिक्षा में दोनों को जोड़ लिया जाए तो लग